विधानसभा चुनाव के पहले और साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसमें शिवराज सरकार जनता के लिए तकरीबन 3.25 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है, जो सत्र के तीसरे दिन सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। चुनाव से पहले आ रहे इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं, जबकि सरकार के कार्यकाल का आखिरी संपूर्ण बजट समावेशी होगा। क्या देश में तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के श्रेय पर शिवराज सरकार जनता की वाहवाही नहीं लेना चाहेगी? लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, ओल्ड पेंशन स्कीम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष हमलावर भाजपा को निशाने पर लेना चाहते हैं। ऐसे मुद्दों पर सरकार कौन सी नई चीजें लेकर आती है, इस पर जनता नजरें गड़ाए हुए हैं। इसके अलावा जनता और विपक्ष की बजट को लेकर क्या राय और उम्मीद, जानते हैं उन्हीं की जुबान से। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। जब देश का बजट सर्व जन कल्याण के लिए सर्वहितैषी बजट आने की उम्मीद है और हम चाहते हैं कि खरगोन जिले में जो हमारी प्राथमिकता रही मेडिकल कॉलेज की मांग की, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी विगत माह करके गए हैं, तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के बजट में खरगोन जिले की जो मेडिकल कॉलेज की सौगात है वो हमें दी जाए। साथ ही हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर कृषि महाविद्यालय की मांग वर्षों से चली आ रही है वो भी दे, ताकि एग्रीकल्चर क्षेत्र होने से यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, किसान परिवार के बच्चे हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। क्या शुभनाम है? प्रकाश भावसा, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी कर्नाल। बजट ऐसा होना चाहिए जनता की सुविधा के अनुसार। आज पीएम आवास योजना में जो गफलत है वो सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर 10 महीने से आखिरी किस्त अभी तक लोगों को नहीं मिली है। पहली किस्त में लोगों के फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही, और उसके बाद में अभी विकास यात्रा जो शासन निकाल रहा है, विकास यात्रा के चलते उन्होंने अपना पोर्टल चालू कर दिया और उसके बाद फिर आज से बंद कर दिया। तो क्या इसी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा? तो लोगों के अपने मकान कब बनेंगे? कई लोगों के छतें खुल चुकी हैं, कई लोगों के पहली दूसरी किस्तें भी डली हैं, लास्ट किस्त को 8 से 10 महीने होने को आए। क्या इसी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा? क्या बजट लोगों की सुविधा के अनुसार होना चाहिए? प्रकाश जोशी। क्या नाम है आपका? प्रकाश जोशी, जेता। देखो, उम्मीद तो हम आज़ादी के बाद से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक आज़ादी के 80 वर्षों बाद भी खरगोन जिले को कुछ नहीं मिला। खरगोन जिले में ना तो मेडिकल कॉलेज है, ना कृषि कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यदि पिछले 5 वर्षों की बात करें तो खरगोन जिला 0/0 रहा, यहाँ पर कुछ नहीं रहा, सिर्फ खरगोन की सड़कें उखड़ती रही, लोग मांग करते रहे, फिर रोड बनी, फिर अब वो उखड़ गई, अब नए तरीके से रोड उखड़ रही है। खरगोन जिले में जल निकास योजना और सीवरेज लाइन और नल के नाम पे बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है, और नागरिक सिर्फ एक ही मांग करते रहे, रोड बने, फिर रोड बन जाती, फिर रोड उखड़ जाती, इसके अलावा 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, बर्बाद कर दिया हमारे जीवन के 5 वर्ष। बहुत कुछ मांगे, बहुत कुछ चाहते हैं जिलेवासी, लेकिन खरगोन को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? संजय पारा। अपेक्षा तो ये है कि बजट जनहितैषी हो, जिसमें किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगार एवं विशेषकर व्यापारियों का ध्यान रखा जाए, जो GST की मार झेल रहे हैं। आशा है उन पर कोई टैक्स नहीं लगे तो आने वाले समय में जो आम जन है वो भी टैक्स की मार से बचेगा। मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि बजट जनहितैषी हो, गरीबों के हित में हो, पर लगता नहीं है कि ऐसा बजट मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार देने की स्थिति में है। रोजाना कर्ज ले लेकर प्रदेश शासन चल रहा है, प्रशासन चल रहा है, विकास यात्रा के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसकी पोल आपने देखी है, जगह जगह खुल रही है। हम तो चाहते हैं कि बजट जनहितैषी हो, पर इसकी अपेक्षा करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। क्या नाम है आपका? राजेश मंडलो जी। परसों मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश होगा। मैं मध्य प्रदेश सरकार और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सरकार से मांग करता हूं कि खरगोन में एक लंबे समय से जो मांग हो रही मेडिकल कॉलेज की, खरगोन शहर को तुरंत एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए। खरगोन जिले के अंदर विशेषकर खरगोन विधानसभा के प्रत्येक गांव को जल जीवन मिशन से जोड़ा जाए और प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाया जाए। एक आदिवासी बाहुल इलाका है, रेटवा से गोपालपुरा तक उसकी एक सड़क निर्माण बहुत समय से मांग चल रही है,
उस मांग को पूरा करके तत्काल सड़क बनाई जाए। खरगोन की एक पहचान देवी अहिल्या उत्कृष्ट विद्यालय जो है, जो जीर्ण शीर्ण हो रहा है, उसका नवीनीकरण किया जाए। गोगावा ग्राम पंचायत को तत्काल प्रभाव से नगर पंचायत बनाई जाए और खरगोन में दो कुंदा नदी पे दो पुलियाओं की अत्यंत आवश्यकता पुलों की है, एक भसनेर और एक खेड़ी में, इनको तत्काल इस बजट में शामिल करके तत्काल इसका काम लगाया जाना चाहिए ताकि खरगोन में विकास की ओर अग्रसर बढ़े। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।